कि उनके वजह से मेरा नगर पालिका बर्बाद हुआ और नगर पालिका को एक ऐसा क्षेत्र बना दिया जिसमें पैसा का लेन देन ही सर्वोपरि कर दिया। मेरे बड़े भाई हैं जो मेयर थे, उनके कार्यकलाप में पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि रोड नाला, नाला और रोड, रोड और नाला क्या बन रहा है पता ही नहीं चला। कई बार देखा है, बरौनी के विधायक को भी आपने देखा, आपने बेगूसराय में, ठीक है राजकुमार जी जीत गए, हम उनके समर्थक भी थे उस समय और हमने उनके लिए बहुत काम किया और मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि कल मेरे लिए वो करेंगे या नहीं करेंगे, ये उनकी इच्छा होगी। तो धनबल का अगर प्रयोग रहता तो जो सबसे बड़े धनबल खर्च करने वाले थे वही जीत जाते बेगूसराय में, हर जगह धनबल से कई विधायक, अभी तुरंत दो तीन विधायक और विधायक नहीं हुए राजेंद्र सिंह तो विधायक के करीब तो चले गए थे, जीतने के करीब, कोई सोचता भी नहीं था राजेंद्र सिंह ऐसे कार्यकर्ता, हालांकि वो विधायक रह चुके हैं, लेकिन जो अभी धनबल का जो चल रहा था माहौल उसमें राजेंद्र सिंह भी इतना वोट ला सकते हैं जो बस जीत के करीब में चले गए थे। तो क्या लगता है इस चुनाव में, मुझे लगता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं, बहुत सारे समाज सेवी आ रहे हैं, बहुत पार्टी के लोग आ रहे हैं, और इस बीच में आप कैसे समीकरण निकालिएगा? यही सब दुख की बात रही है, डॉक्टरों को जो सेवा करना चाहिए, जो इतना पढ़े वो MBBS किए, कितनी कठिन पढ़ाई करके, और अगर वो नौजवान है, अभी कम उम्र है उनका, पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है, पहले वो सेवा करें, समाज में दे, अपना योगदान दे। मेरा तो कुछ किया हुआ बिजनेस है नहीं, मेरे बाप दादा का किया हुआ है, उसको केवल मैं संभाल रहा हूँ, इसलिए मेरे ऊपर कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने बहुत व्यापार करके आज मैं इस पद के लिए लड़ाई लड़ने आया हूँ, हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन डॉक्टरों को मैं यही सलाह दूंगा कि वो पहले सेवा करें, अच्छा सेवा करें, और सरकार के माध्यम से जिस कॉलेज से वो पढ़ के आए हैं वहाँ उनको जो पढ़ाई का ज्ञान मिला है। नगर निगम की दावेदारी काफ़ी लोगों ने पेश की है, लेकिन इसमें अव्वल कौन है और सबसे ज़्यादा कौन चर्चित है ये तो वक्त ही बताएगा। तो हमारे बीच आज है कमल किशोर जी, जो कि काफ़ी चर्चित हैं और व्यवसायी भी हैं, साथ में कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और इनके द्वारा इस बार दावेदारी दी गई है नगर निगम के लिए। सबसे पहले सर स्वागत है आपका सर चैनल पर। मैं भी आपका और आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि हमारे ऐसे आदमी से आपने इंटरव्यू के लिए हमको बोला और हमसे आप बातचीत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से नगर निगम और बेगूसराय ज़िला के आसपास के रहने वाले जो नगर निगम से जुड़े हुए हैं उन सबको आपके माध्यम से जो आप पूछेंगे उसका मैं सही जवाब दूंगा। सबसे पहली सवाल मेरी यही है कि एक व्यवसायी, और मतलब आप व्यवसायी भी रह चुके हैं बहुत दिन से, आपका परिवार का भी बहुत योगदान रहा है बेगूसराय के निर्माण में, तो ऐसा क्या आप देखते हैं कि आपको लगा कि नहीं नगर निगम में मुझे भी अपने दावेदार देना चाहिए क्योंकि जो काम नहीं हुए, आपको ऐसा क्या लगा? नहीं, नगर निगम में तो योगदान देने के लिए पिछले साल ही मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर बेगूसराय के लोग चाहेंगे नगर निगम की जनता तो निश्चित तौर पर मैं मेयर का चुनाव लड़ूंगा। चूँकि मैं जिस भी मोहल्ला में गया हूँ, चाहे शादी का माहौल हो, चाहे व्यक्तिगत संबंध के वजह से या सामाजिक काम के वजह से, हर मोहल्ला में बहुत शिकायत थी कि नगर निगम का काम बहुत ही बुरे स्थिति से गुजर रहा है कई वर्षों से, और हमको लगता है जो इस वजह से, इसी भूमि पर मैंने जन्म लिया, इसी शहर में, और जन्म लेके इतना बड़ा वो यहीं पर हुआ, तो कहीं ना कहीं हमको दुख होता था कि जो मेरे से आदमी के रहते हुए और हम लोगों के रहते हुए हमारा जो पारिवारिक संबंध है और जो उसे लगाव है पूरे शहर में, उसके उन सबों का आशीर्वाद रहते हुए क्यों न मैं एक बार नगर निगम का चुनाव लड़के सेवा का काम नगरवासियों के लिए करूं। इसीलिए मैंने मन बनाया कि हम सबों का मन है, मेरा ही नहीं, जितने लोग मेरे शुभचिंतक हैं, जो भी इस नगर में प्रबुद्ध नागरिक हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, उन सबों की ये इच्छा है कि हम एक बार नगर निगम का मेयर का चुनाव लड़ें। इसलिए मैंने सोचा कि
लोगों की जो आकांक्षा है, जो लोगों का मेरे प्रति सहानुभूति है, इस वजह से ही मैंने सोचा कि मैं इस चुनाव को। सर, ऐसा कौन कौन सा कार्य लगा कि मतलब क्या क्या चीज़ खराब दिखा आपको कि लगता है उसमें सुधारीकरण होना चाहिए? अगर आप, अगर जनता आपको मैंडेट करती है तो आप क्या क्या वो करेंगे? देखिए, मैंने कई लोगों का इंटरव्यू ही सुना है, बड़े बड़े लीडरों का, विधायकों, पूर्व विधायक हो या वर्तमान हो, सब लोगों का मैंने इंटरव्यू देखा है। और जो उन्होंने इंटरव्यू दिया सब वही घिसा पिटा बात है और वही सब बात बोलते हैं। कई लोग बोले हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये नरक निगम हो गया। अरे साहब, आप लोगों का भी 20 साल योगदान रहा इस शहर में, बड़े बड़े ऊंचे पद पर रहे, चाहे नगर पालिका में रहे या नहीं रहे, किसी भी क्षेत्र में विधायक के रूप में रहे, MP के रूप में रहे, फिर कई लोग हमारे अब विगत भी हो गए जो समाज में आज के दिन उनका निधन हो गया, उनके पीरियड में वो भी काफ़ी दिन तक इस जिला का और इस शहर का प्रतिनिधित्व किए। लेकिन हम किसी एक पर क्यों दोष थे, हम तो सारे ये जनप्रतिनिधि जो थे अभी तक इस जिला में और इस शहर के में, चाहे किसी रूप में भी इसका सेवा करने का काम उनको जनता ने दिया, निश्चित तौर पर मैं उन सबों पर ये आरोप लगाता हूँ कि उनके वजह से मेरा नगर पालिका बर्बाद हुआ और नगर पालिका को कोई देखने वाला नहीं मिला और नगर पालिका को एक ऐसा क्षेत्र बना दिया जिसमें पैसा का लेन देन ही सब उड़पड़ी कर दिया गया। और विगत 5 वर्षों में मेरे बड़े भाई हैं जो मेयर थे, उनके कार्यकलाप में पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि रोड, नाला, नाला और रोड, रोड और नाला क्या बन रहा है पता ही नहीं चला। और जहाँ तक बात है स्वच्छता की, तो सफाई के अभियान में आप भी इसी शहर में रहते हैं, हम क्या बोलेंगे, आप खुद पता कर लीजिए जो शहर कितना साफ और सुथरा है, कितनी गंदगी फैलते जा रही है एक एक मोहल्ले में। जाना आना आज के दिन के जाड़ा के मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, जब तक आपके पैर में कादो नहीं लग जाएगा, जब तक आप अगर पैदल जाइएगा तो जाने में आपका कपड़ा जब तक गंदा नहीं हो जाएगा तब तक आप उस मोहल्ले को घूम भी नहीं सकते हैं। गली की बात तो छोड़ दीजिए, किसी मोहल्ले में मैक्सिमम मोहल्ला का हालत बहुत दयनीय है। तो आपने कहा कि मतलब 5 साल में विगत काम नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि हमेशा जो हमारा नगर निगम है वो पूंजीपतियों के बीच और में फंसा हुआ रहा, मतलब एक पूंजी का अवसर रहा है। तो क्या लगता है इस चुनाव में, मुझे लगता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं, बहुत सारे समाज सेवी आ रहे हैं, बहुत पार्टी के लोग आ रहे हैं, और इस बीच में आप कैसे समीकरण निकालिएगा? देखिए, पार्टी का तो इसका, किसी दल का तो चुनाव है नहीं। और जहाँ तक मैं कोऑपरेटिव के राजनीतिक में, जब से आया मैंने सहकारिता के क्षेत्र में किसी दल का प्रवेश करने नहीं दिया और भरसक कोशिश किया जो कोई दलगत राजनीति करके उसमें कोई डायरेक्टर या कुछ बने। हम लोगों की यही सहकारिता में धारणा रही और निश्चित तौर पर मैं चाहूँगा भी ये भी जो चुनाव होगा हम लोग चाहेंगे कि ये दलगत नहीं हो और कोई दल इसमें किसी का सपोर्ट कर सकता है लेकिन कोई तो उसका ये क्या कहते हैं आप लड़ने का कोई छाप तो या कुछ दे नहीं सकता है। इसीलिए और जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, यही सब दिन दुख की बात रही है। डॉक्टरों को जो सेवा करना चाहिए, जो इतना पढ़े वो MBBS किए, कितनी कठिन पढ़ाई करके, और अगर वो नौजवान हैं अभी, कम उम्र है उनका, पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है, पहले वो सेवा करें, समाज में दे अपना योगदान दे, बरसों योगदान देने के बाद, 40 साल का योगदान देने के बाद मैं सामाजिक रूप में किसी न किसी रूप में रहा। जो मेरा कमाने का उम्र था, जो बड़े बिजनेसमैन बनने का उम्र था, उसमें मैंने उस जवानी को मैंने सहकारिता और राजनीतिक के में अपना योगदान समाज के लिए दे दिया। और निश्चित तौर पर मेरा तो कुछ किया हुआ बिजनेस है नहीं, मेरे बाप दादा का किया हुआ है, उसको केवल मैं संभाल रहा हूँ। इसलिए मेरे ऊपर कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने बहुत व्यापार करके आज मैं इस पद के लिए लड़ाई लड़ने आया हूँ। और मैं डॉक्टरों से यही, उनको लड़ने के लिए तो सब स्वतंत्र हैं और लड़े, हमको कोई तकलीफ नहीं है,
लेकिन डॉक्टरों को मैं यही सलाह दूंगा कि वो पहले सेवा करें, अच्छा सेवा करें, और सरकार के माध्यम से जिस कॉलेज से वो पढ़ के आए हैं वहाँ उनको जो पढ़ाई का ज्ञान मिला है, हमको लगता है एक डॉक्टर को बनने में 8-10 साल लगता है, तो 10 साल को ही राजनीति में, ठीक है डॉक्टरों को भी राजनीति में रहना चाहिए, लेकिन एक पीरियड, एक समय के बाद जब उनका लगे हमारा रिटायरमेंट समय आ गया, तो वो भी मेयर क्या, MLA MP के लिए भी लड़ते हैं और लड़े, CP ठाकुर भी लड़े और कई बार जीते, और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नहीं लड़े, लेकिन अगर सेवा भाव से अगर समाज को किसी न किसी रूप में सेवा करेंगे, और डॉक्टर जितना बीमारी होता है अपने अपने क्षेत्र में जो विशेषज्ञ हैं वो अपने क्षेत्र में ही उस काम में सेवा करें, तो निश्चित तौर पर उनका नाम होगा, आशीर्वाद उनको मिलेगा, और हम लोग भी उनके साथ कंधा से कंधा मिला के काम करेंगे। और रहा जैसे बड़े बड़े व्यापारियों का या बड़े धनवान का, तो आपने विगत चुनाव में कई बार देखा है, बरौनी के विधायक को भी आपने देखा, आपने बेगूसराय में, ठीक है राजकुमार जी जीत गए, हम उनके समर्थक भी थे उस समय और हमने उनके लिए बहुत काम किया, और मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि कल मेरे लिए वो करेंगे या नहीं करेंगे, ये उनकी इच्छा होगी, लेकिन मैंने उनके लिए जो अपना योगदान दिया, तो धनबल का अगर प्रयोग रहता तो जो सबसे बड़े धनबल खर्च करने वाले थे वही जीत जाते बेगूसराय में हर जगह। धनबल से जनता को कोई जीत नहीं सकता, जनता सबको कहती है हम वोट देंगे, लेकिन उसके मन में बैठा रहता है जो कौन अच्छा है, किसको वोट देना चाहिए, इसीलिए धनबल से कई विधायक अभी तुरंत 2-3 विधायक और विधायक नहीं हुए राजेंद्र सिंह तो विधायक के करीब तो चले गए थे, जीतने के करीब, कोई सोचता भी नहीं था राजेंद्र सिंह ऐसे कार्यकर्ता, हालांकि वो विधायक रह चुके हैं, लेकिन जो अभी धनबल का जो चल रहा था माहौल उसमें राजेंद्र सिंह भी इतना वोट ला सकते हैं जो बस जीत के करीब में चले गए थे, इसलिए मैं कभी घबराया नहीं जीवन में, जो मुझे कोई सहकारिता हो या किसी भी क्षेत्र में धनबल से हमको परास्त कर देगा, और जब तक न धनबल वाले काम आएंगे न बाहुबली काम आएंगे, हमको परास्त वही कर सकता है जो हमारा प्रिय हो, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा लगाव रहा हो, हम उसके लिए मैं जीवन में सब दिन राजनीतिक में कई बार हमको कृष्णा साही ने बोला तुम MLA का चुनाव लड़ो हम देंगे, हम बोले न मैडम बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं, हम जहाँ हैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमको यही रहने दीजिए, यही से कांग्रेस का हम सेवा करें, तो हमको कभी ये उछाल करने का इतना नहीं रहा जो हम ही सब चीज़ बन जाए। और मेरे कई मित्र भी हैं, कई बड़े भाई भी हैं जो इस चुनाव समर में आना चाह रहे हैं, तो मैं किन्हीं को रोक तो नहीं सकता हूँ, लेकिन एकाध व्यक्ति वैसे इसमें हैं जिनके लिए मैं आज तक कभी सोचा भी नहीं था जो हमारे उसके बीच में एक चुनावी रण क्षेत्र बन सकता है, लेकिन ये कोई चीज़ ही नहीं है उसके सामने में, अरे वो कुर्सी क्या, वो जो चीज़ हमसे मांगेगा हम उसको दे देंगे, ये तो कुछ चीज़ ही नहीं है, लेकिन वो भी मेरा बड़ा भाई है, मित्र है, मैं ज़रूर उससे आग्रह करूँगा वो भी एक बार सोचे इस विषय पर। चलिए, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जो जनता देख रही है हमारे चैनल के माध्यम से? हम जनता से यही अपील करेंगे, जो आप ये मत सोचिएगा कि जो पैसा वाला ही जीत जाएगा, जो बाहुबली है वही जीत जाएगा, क्योंकि आजकल परिपाटी एक चला हुआ है, मुखिया का चुनाव हो, सरपंच का चुनाव हो, चाहे विधायक का भी, बहुत जगह बाहुबली जीतते हैं, इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं, धन वाले भी जीतते हैं, इसको भी हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन बेगूसराय एक क्रांतिकारी क्षेत्र रहा है, ये दिनकर की भूमि रही है और श्री बाबू की कर्मभूमि रही है, यहाँ पे एक से एक लीडर आए हैं जिन्होंने अपना कर्मभूमि और क्षेत्र बनाया है, तो मैं यही यहाँ की जनता जो जागरूक जनता है ये जानती है, आप जान लीजिए बिहार में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ आरक्षण के समय में भी, बिहार में बहुत तरह के अभी भी
आप बहुत जिला जाइएगा जहाँ पर मुसलमानों के बीच, हिंदुओं के बीच, जादवों के बीच, कुर्मी के बीच, भूमिहारों के बीच, राजपूतों के बीच एक मानसिकता बना हुआ है, एक दूसरे के प्रति वो घृणा के नज़र से देखते हैं। लेकिन मेरा बेगूसराय ज़िला इसमें सौभाग्यशाली है, यहाँ के राजनीति करने वाले, चाहे यहाँ की जनता, यहाँ के इतने पढ़े लिखे लोग हैं, एक मजदूर भी मार्क्स और लेनिन की बात करता है, कुदाली चलाने वाला, एक मजदूर भी राजीव गांधी और सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी की बात करता है, एक मजदूर अभी भी समाजवाद की बात करता है, एक मजदूर यहाँ का जो खेतिहल मजदूर है, और यहाँ का सामाजिक वातावरण बनावट जो है, हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमारा अगर कोई गोतिया रहता है तो वो पान का दुकानदार भी है, वो चाय का दुकानदार भी है, वो मजदूरी भी करता है, तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं जो उसके साथ नहीं खाते हैं। बेगूसराय ज़िला की यह खासियत रही है, बेगूसराय शहर की यह खासियत रही है, यहाँ सब लोग सब मिल बैठ के किसी को अलग नहीं समझते हैं। और जितने दिन से हम बेगूसराय, हम लोग बेगूसराय में और हम लोग से जुड़े हुए लोग रहे हैं, निश्चित तौर पर जनता जानती है कि हम लोगों ने न लूटा है, न खसोटा है, न किसी के दुख दर्द में हम साथ जरूर दिए हैं, लेकिन किसी को दुख देने का काम हम लोगों ने नहीं किया है। हम सभी जितने हमारे सहयोगी और हम हैं, और हमारे हर वार्ड में कुछ न कुछ सहयोगी हैं, तो निश्चित तौर पर मैं जनता से ये अपील करूंगा, एक बार हमको मौका दे। हम ऐसा भी नहीं है कि हम कुर्सी से चिपके रहेंगे, अगर हमको लगेगा हम 5 साल में जनता के नज़र में खड़ा नहीं उतरे, और मैंने जो वादा किया है जनता का, सफाई का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे और जितने भी काम है, अंडरग्राउंड पार्किंग रोड का हो, शौचालय बना के रोड का क्रॉसिंग का काम हो, चाहे सौंदर्यीकरण का काम हो, अगर हम नहीं करा पाएंगे या उसमें सक्षम नहीं होंगे, या आगे कोई नौजवान हमसे अच्छा उभरता हुआ नौजवान कोई आएगा, तो निश्चित तौर पर हम उसको आशीर्वाद देके चाहेंगे कि हम 5 साल किए, अब तुम 5 साल काम करो। यही हमारी जनता के बीच में अपील है, और जनता मालिक है, जनता सब दिन मालिक रहा है, जनता से बड़ा न कोई ताकतवर है, न कोई बाहुबली है, न कोई धनबली है, और जनता का आशीर्वाद अगर हमको मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम मेयर बन के इस शहर को एक नया शहर बनाने का काम करेंगे। मैंने सुना कि इन्होंने इशारों में उन प्रत्याशियों को भी कहा कि अगर वो आ रहे हैं, उनका जो कीमती समय है, चाहे डॉक्टर्स हो, बहुत सारे प्रत्याशी हो जिन्होंने इस बार अपनी उम्मीदवारी दी है, उनको इशारों में भी कहा है कि अगर वो उस कार्यों में ही रहेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन उनका वेलकम हम करते हैं। और ये थे हमारे बीच कमल जी, जो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और स्वागत कर रहे हैं कि आइए आप इस चुनाव में, लेकिन अपने अपने मैंडेट को लेके आइए। और इस बार ये उतर रहे हैं चुनावी माहौल में, अब देखते हैं, वक्त ही बताएगा जब डेट्स ऐलान होंगे और कौन कौन इस चुनावी मैदान में आएगा, तभी हम देखा जाएगा। तो इसी के साथ मैं कुमार सानू लेता हूं आपसे अलविदा, मिलूंगा अगले एपिसोड में, इसका नाम है शहरी चुनाव, ताकि हम ऐसे ऐसे अपडेट्स, जो मेयर के कौन कौन आ रहा है और आपके क्षेत्र में कौन कौन विकास करेगा, उसके सारे जो आवाज़ है हमारे चैनल के माध्यम से हम लेते आएंगे। इसी के साथ नमस्कार।